हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का। इसमें हम सपोजिटरीज बेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। उसके तीन क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ सपोजिटरीज बेसिस में हमने फर्स्ट वाला जो है यानी कि ऑलिगो बेसिस ये हमने कवर कर लिया था इससे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल या फिर हाइड्रोफिलिक बेसिस के बारे में, और सेकंड हम कवर करेंगे इमल्सीफाइंग सिंथेटिक बेसिस को। तो ये हम कवर करेंगे टाइप ऑफ सपोजिटरीज बेसिस या फिर वो बेस जो हम सपोजिटरीज के फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है वाटर सॉल्युबल एंड वाटर मिसिबल और हाइड्रोफिलिक बेसिस। इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, मेनली इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है या फिर जो मोस्ट यूज हो जाने वाले जो टाइप हैं इस कैटेगरी के, वो दो ही हैं, दैट इज ग्लिसरोजिलेटिन बेस एंड सेकेंड है पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लिसरोजिलेटिन बेस एंड पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैटेगरी। इसके अलावा जो थर्ड एग्जाम्पल दैट इज सोप ग्लिसरीन बेस इज द थर्ड एग्जाम्पल, लेकिन वो बहुत कम यूज होता है। तो यही दो मेन बेसिस यूज होते हैं इस कैटेगरी में, दैट इज वाटर सॉल्युबल और वाटर मिसिबल कैटेगरी। सो इसमें हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे ग्लिसरोजिलेटिन बेस से। तो इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल प्लस वाटर प्लस जिलेटिन इज इक्वल टू ग्लिसरोजिलेटिन बेस। तो कंपोजिशन जो है इसकी वो है ग्लिसरॉल प्लस वाटर प्लस जिलेटिन, अगर हम ऐड करते हैं तो वी विल गेट अवर ग्लिसरोजिलेटिन बेस। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं या फिर कौन से ऐसे आप कह सकते हो इसके एडवांटेजेस हैं या प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम इसको यूज करते हैं एज ए सपोजिटरीज बेस। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज। इट इज बेसिकली कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुलेंट इन नेचर। कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलुलेंट होता है नेचर में, यानी कि कोई भी अगर हम इसको कलर देना चाहें तो हम दे सकते हैं बाई एडिंग एनी टाइप ऑफ कलरिंग एजेंट, या फिर हम आसानी से इसको अगर हम कलर ना देना चाहें, ट्रांसपेरेंट सपोजिटरीज हमको फॉर्मुलेट करनी है तो उसके लिए ये बेस सुटेबल होता है। दूसरा ट्रांसपेरेंट भी होता है, कलरलेस भी होता है। तो ट्रांसपेरेंट या फिर कलरलेस जो सपोजिटरीज होती हैं वो मोर एक्सेप्टेबल होती हैं बाय द कंज्यूमर्स देन द यू कैन से कलर्ड वन। इट इज सॉफ्ट टू टच, सॉफ्ट होता है व्हाइल वी आर टचिंग इट, एज वी ऑल नो सपोजिटरीज बेसिकली दैट काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन विच वी आर इंट्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी कैविटीज। हम इनको बॉडी कैविटीज में इंट्रोड्यूस करते हैं, सपोजिटरीज एक ऐसी डोजेस फॉर्म है। तो इट इज़ नेसेसरी कि उसका जो टच हो, उसके बेसिस का जो टच हो या फिर पूरी फॉर्मुलेशन का जो टच हो वो सॉफ्ट होना चाहिए आपकी बॉडी कैविटीज के लिए, वो ब्रिटल नहीं होना चाहिए। तो इस बेस का एक स्पेसिफिकेशन और आप कह सकते हो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि टच करने पे सॉफ्ट है या नेचर में ये सॉफ्ट है। मेल्ट हो जाता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, मेनली जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उससे कम टेम्परेचर पर यानी कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट हो जाता है। तो एक सपोज ट्रीज का एक एक्यूरेट टेम्परेचर पर और बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाकर ड्रग रिलीज करना जरूरी है, क्योंकि अगर ड्रग रिलीज नहीं होगी या फिर वो मेल्ट ही नहीं होगी तो हमको थेरापेटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी के कारण भी हम इसको मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड सॉरी इस प्रॉपर्टी के कारण भी हम इसको ज़्यादातर अडॉप्ट करते हैं एज ए सपोजिटरीज बेस। यूज्ड फॉर वेजाइनल सपोजिटरीज, बेसिकली वेजाइनल सपोजिटरीज के प्रिपरेशन में इस तरह के बेस को यूज किया जाता है। अब एज वेल एज देयर आर सम प्रॉपर्टीज एंड देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ दिस कैटेगरी दैट इज ग्लिसरोजिलेटिन बेस। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें, इट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, सेम एज प्रॉपर्टी में जो मेंशन है कि बॉडी टेम्परेचर पे इजीली मेल्ट हो जाता है। आगे है इट मिक्स विद बॉडी फ्लूड, एज वी ऑल नो वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ बेस फॉर वेजाइनल सपोजिटरी। तो बॉडी फ्लूड या बॉडी सिक्रीशंस जो होती हैं या बॉडी में प्रेजेंट जो फ्लूड है उसमें आसानी से ये मिक्स हो जाता है, और मिक्स हो जाने के कारण इट विल प्रोवाइड अ गुड थेरापेटिक इफेक्ट, और जो भी डिजायरेबल हमको एक्शन चाहिए होता है वो ये ऑप्टेन आउट करता है। नॉट रेंसिड, रेंसिडिटी नहीं होती है, रेंसिड नहीं होता है। रेंसिडिटी मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसका डेफिनेशन क्या होता है, एक फैट पे येलो कलर की फॉर्मुलेशन हो जाना या फिर स्मेल आउट होना फैट को, तो उसमें ऐसा इसमें नहीं है, ये रेंसिड नहीं होता है। रेंसिडिटी की इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर सपोजिटरी यूजिंग बोरिक एसिड, आयोडेट्स, आयोडोफॉर्म, ओपियम, ईटीसी।
हम इससे सपोज ट्रीज बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करके, जैसे कि बोरिक एसिड यूज़ करके, आयोडाइड्स यूज़ करके, आयोडोफॉर्म ओपियम यूज़ करके, इनसे हम सपोज ट्रीज फॉर्मुलेट आउट कर सकते हैं। आगे है डिसएडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज और एडवांटेजेस की हमने बात कर ली, आगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि हैं डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर हैंडल। डिफ़िकल्ट होता है प्रिपेयर करने में और हैंडल करने में, क्योंकि हमने पहले ही बताया है आपको कि मेल्ट हो जाता है बॉडी टेम्परेचर पे, इवन बॉडी टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है। तो इसको हैंडल करना, इसको आप कह सकते हो प्रिपेयर करना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज हमको फिर उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर एनवायरनमेंट का, जिस एनवायरनमेंट में हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज टू इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है कि मैन्युफैक्चर करते टाइम ही हमारी सपोज टू इसका बेस मेल्ट ना हो जाए। तो थोड़ा डिफिकल्ट है इसको हैंडल करना और प्रिपेयर करना, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। आगे है चांस टू बैक्टीरियल ग्रोथ ऑप्टेन आउट हो जाने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी में लाई कर रहा है वाटर सॉल्युबल और वाटर मिसिबल बेसिस की कैटेगरी में। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्वस फेज और वाटर इन एनी काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म, दैट मीन्स कि जल्दी उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, बिकॉज मॉइस्चर जहाँ पे होगा, मॉइस्चर की प्रेजेंस जहाँ पे होगी, वहाँ पर माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस कैटेगरी। हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है जो मॉइस्चर आप कह सकते हो गेन करता है, मॉइस्चर अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट से, तो बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग एंड सॉफ्ट इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर। तो जब हम इसको ड्राई कर रहे हैं इट विल ऑप्टेन आउट एज ए हार्ड सब्सटेंस, और जब हम इसको मॉइस्चर या फिर ये आप कह सकते हो ये जब मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है तो इट विल टर्म एज ए सॉफ्ट मटेरियल। तो ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, दिस इज ऑल्सो ए डिसएडवांटेज। लेग्जेटिव होता है एक्शन में, इनकम्पेटेबल होता है टैनिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ, इनकम्पेटेबल होता है, यानी कि हम टैनिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ इसको फॉर्मुलेट करके कोई भी सपोज ट्रीज को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टैनिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ इनकम्पेटेबल होता है। आगे जो है सेकंड एग्जांपल, सेकंड कैटेगरी का, यानी कि वाटर सॉल्युबल या वाटर मिसिबल कैटेगरी का सेकंड एग्जांपल है पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल्स या फिर मैक्रोगोल्स। तो ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें क्या है, दीज आर कॉमनली नोन एज कार्बोवैक्सिस और पॉलीग्लिसरॉल, ये कॉमनली जाने जाते हैं कार्बोवैक्सिस के नाम से, पॉलीग्लिसरॉल के नाम से जाने जाते हैं। दीज आर अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड स्टेट डिपेंडिंग ऑन द मॉलिकुलर वेट। बेसिकली ये अवेलेबल होते हैं इवन इन द सॉलिड स्टेट, इवन इन द लिक्विड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट, डिपेंड करता है मॉलिकुलर वेट पर, ये तीनों ही स्टेट में अवेलेबल होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड। दोज पॉलीमर्स हैविंग द मॉलिकुलर वेट बिटवीन 200 to 1000 आर लिक्विड, दोज हैविंग मॉलिकुलर वेट हायर देन 1000 आर वैक्स लाइक सॉलिड। अब हमने कह तो दिया कि सेमी सॉलिड और सॉलिड और लिक्विड तीनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ये हैं कि वो पॉलीमर जो मॉलिकुलर वेट जिनका 200 से 1000 के बीच है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, और जिनका मॉलिकुलर वेट हाई है 1000 से ऊपर है तो वो वैक्स के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में अवेलेबल होंगे, राइट? ये कंडीशन है। दे आर केमिकल स्टेबल एंड फिजिकली इनर्ट सब्सटेंसेस एंड डू नॉट अलाउ द बैक्टीरियल और मोल्ड ग्रोथ टू टेक प्लेस। ये जो होते हैं केमिकली स्टेबल होते हैं, फिजिकली इनर्ट होते हैं, स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है, और क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन परफॉर्म आउट नहीं करते हैं, कोई भी रिएक्शन इनकी नहीं सो होती है, और क्या होता है, इनमें बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर किसी भी टाइप के मोल्ड की ग्रोथ नहीं होती है। जैसे कि इससे प्रीवियस जो हमने ग्लिसरोजिलेटिन वाला जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, डिसएडवांटेज में हम पढ़ा, लेकिन इस केस में बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, स्टेबल भी होते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ, किसी टाइप की बैक्टीरियल ग्रोथ जो है यहाँ पे पार्ट प्ले नहीं करती है। तो ये इसके बारे में हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में, राइट? तो केमिकली स्टेबल होते हैं, यहीं से हम एक लाइन ले सकते हैं कि भाई तीनों स्टेट में अवेलेबल होते हैं, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। दूसरा, केमिकल स्टेबल है, बैक्टीरियल ग्रोथ इनमें नहीं होती है। तो इस तरीके से केमिकल स्टेबल है, इनर्ट है, नॉन इरिटेंट है, कोई भी कैविटी में ये इरिटेशन कॉज नहीं करते हैं। डोंट अलाउ बैक्टीरियल ग्रोथ, वही सेम वहीं से इन्होंने लिया है, अलाउ नहीं करते किसी भी टाइप की बैक्टीरियल ग्रोथ को।
फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज अकॉर्डिंग टू द मॉलिकुलर वेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर वेट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि किस स्टेट में है, दिस इज ऑल्सो फिजिकल स्टेट, इवन इट इज इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और सेमी सॉलिड फॉर्म। तो मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है। प्रोवाइड प्रोलॉन्ग एक्शन, डोंट स्टिक टू द मोल्ड, क्लीन एंड स्मूथ इन टेक्सचर। एक प्रोलॉन्ग, एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी कैविटी में, हमको थेरापूटिक इफेक्ट के लंबे समय के लिए मिलता है। मोल्ड जो है, जो खांचा है जिसमें फिल करके हम लिक्विड फॉर्म में, सपोज ट्रीज का मिक्सर फिल करते हैं और उसको कोल्ड हो जाने के बाद, ठंडा हो जाने के बाद वो एक सपोज ट्रीज में ऑप्टेन आउट होता है, तो उस मोल्ड में ये स्टिक नहीं होता है। जो बेस या फिर जो प्रिपरेशन किसी भी मोल्ड में स्टिक हो रही है उसको एक अच्छा बेस नहीं माना जाता है, क्योंकि स्टिक होना मतलब एक ब्रिटल हमको, स्मूथ हमको सपोज ट्रीज नहीं मिलेगी, ब्रिटल हमको प्रिपरेशन मिलेगी, तो वो गलत है। तो इस केस में, इस वाले बेस के केस में ऐसा नहीं होता है, मोल्ड पर स्टिक नहीं होते हैं, क्लीन एंड स्मूथ अपीयरेंस होती है, क्योंकि मोल्ड पर स्टिक नहीं हो रहे हैं, इजीली हम उनको निकाल सकते हैं मोल्ड से, तो इनका टेक्सचर जो है, इनका जो आउटर सरफेस है वो क्लियर और स्मूथ होता है। तो ये कंप्लीट, एक तो मैंने कंप्लीट इधर कर दिया है ग्लिसरोजिलेटिन बेस एंड पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट जो है उसमें हम बात करेंगे इमल्सिफाइन और सिंथेटिक बेसिस के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में इस वीडियो की। सो स्टूडेंट, वीडियो में आगे जाने से पहले हम बात करेंगे एक ऐप के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने जेई, नीट या फिर बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और इस ऐप का नाम है फिलो ऐप। स्टूडेंट, फिलो ऐप की हेल्प से आप कभी भी 3 इजी स्टेप्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से फिलो ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको इजीली अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन का या तो आप पिक्चर या फिर क्वेश्चन टाइप करके सबमिट कर दें, और उसके बाद फिलो ऐप आपको 60 सेकंड्स के अंदर टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। सो इजीली आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं एक्सपर्ट से कनेक्ट करके। So if you have any question, just ask Philo. Link is in the description box to download this app. So आगे इस लेक्चर में है थर्ड टाइप ऑफ बेसिस, यानी कि इमल्सिफाइन और सिंथेटिक बेसिस। इसमें क्या है, इसके 2 सब टाइप है। नंबर फर्स्ट है बिट्सपॉल एंड सेकेंड है मासा एस्टिनम। आगे इसका एडवांटेजेस क्या है सिंथेटिक और इमल्सिफाइन बेसिस के, तो नंबर फर्स्ट है दे सॉलिडिफाई रैपिडली, रैपिडली वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, अगेन एंड अगेन वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ये इसका एडवांटेजेस है। दे आर नॉन इरिटेंट होते हैं। द लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, वी नीड टू लुब्रिकेट और अप्लाई एनी ग्रीसी थिंग ऑन द मोल्ड सो दैट जो हमारी सपोज ट्रीज है वो उस पर स्टिक ना हो, लेकिन इसके केस में देयर इज नो नीड टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ लुब्रिकेंट वाइल वी आर पुटिंग आर सॉल्यूशन ऑफ सपोज ट्रीज इन द मोल्ड। अगला जो एडवांटेज है वो है ओवर हीटिंग डज नॉट अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। अगर ये बाई चांस ओवर हीट हो जाता है या हम इसको ओवर हीटिंग कर देते हैं तो ये अफेक्ट नहीं करता है फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, बेस की, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट नहीं होती है ओवर हीटिंग करने पर भी। दे कैन एब्जॉर्ब फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और एक्वस लिक्विड, ये लार्ज अमाउंट में वाटर या फिर कोई भी एक्वस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर सकता है। आगे है व्हाइट ऑर्डरलेस क्लीन एंड अट्रैक्टिव सपोज ट्रीज प्रोड्यूस आउट होती हैं। इस बेस को यूज करके वी विल इजीली गेट व्हाइट ऑर्डरलेस और क्लीन एंड अट्रैक्टिव सपोज ट्रीज हम प्रोड्यूस आउट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, दे शुड नॉट बी कूल्ड रैपिडली इन ए रेफ्रिजरेटर बिकॉज दे बिकम ब्रिटल। इनको अगेन एंड अगेन रैपिडली हमको रेफ्रिजरेटर की हेल्प से इनको कूल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से ब्रिटल हो जाती है, इनका जो टेक्स्चर है वो सॉफ्ट नहीं रहता इस तरह के बेसिस का।
तो उनको हमें अगेन एंड अगेन रैपिडली कूल नहीं करना है. दे आर नॉट वेरी विस्कस ऑन मेल्टिंग, सो द मेडिकामेंट इनकॉर्पोरेटेड विद द बेस सेटल डाउन रैपिडली. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विस्कस नहीं होते हैं, मेल्ट होने पर विस्कस नहीं होते हैं, तो इनमें जो हम मेडिकामेंट इनकॉर्पोरेट करते हैं या मेडिकामेंट ऐड करते हैं तो वो सेटल हो जाते हैं. जो विस्कस होगा, कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस जब विस्कस होता है, तो दे दैट विस्कस सब्सटेंस हैव ए कैपेसिटी टू होल्ड ऑन एनी काइंड ऑफ मेडिकामेंट. उसमें कैपेसिटी हो जाती है किसी भी मेडिकामेंट को होल्ड करने की. लेकिन ये अब जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये मेल्ट करने पे बहुत ज़्यादा विस्कस नहीं होता, जिसके कारण जो हम मेडिकामेंट इसमें ऐड करते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. दिस इज ऑल्सो ए डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ यू कैन से कैटेगरी ऑफ बेसिस. नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है डिप्सॉल्व वो हम पढ़ेंगे. तो ये है दे कंटेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल फैटी एसिड विद वेरिंग परसेंटेज ऑफ पार्शियल ईस्टर्स. तो ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है ट्राइग्लिसराइड्स, किसके? सैचुरेटेड वेजिटेबल फैटी एसिड्स के, विद वेरिंग परसेंटेज. यानी परसेंटेज जो है वो वेरी कर सकती है, किसकी? पार्शियल ईस्टर्स की. इसमें परसेंटेज वेरी कर सकती है. आगे क्या है? सॉरी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वीज वैक्स इज एडेड टू यूज इन हॉट क्लाइमेट. अगर हमको इसके हॉट क्लाइमेट में यूज करना है तो वी नीड टू एड वीज वैक्स इन स्मॉल अमाउंट. स्मॉल अमाउंट पर हमको वीज वैक्स इसमें ऐड करनी होगी. इट शुड नॉट बी कूल्ड रैपिडली एज इट बिकम ब्रिटल एंड फ्रैक्चर. तो इसको रैपिडली हमको कूल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से सेम जो ये इमल्सीफायर सिंथेटिक बेसिक में बेसिस में बताया है, क्योंकि उसी की कैटेगरी है. तो अगर हम इसको भी रैपिडली अगर हम इसको कूल करेंगे तो ये ब्रिटल हो जाएगा, उसमें क्रैक्स ऑप्टेन आउट हो जाएंगे, तो वो हमको नहीं करना है. लुब्रिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है, लुब्रिकेंट हमको अप्लाई करना पड़ेगा मोल्ड में जब हम अपनी सपोज ट्रीज को मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो लुब्रिकेंट इसमें चाहिए. अब सेकेंड जो है मासा एस्टेर नियम, तो इसमें क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोनो डाई ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड. ये मिक्सचर है किसका? मोनो डाई और ट्राइग्लिसराइड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का. ये एक वाइट ब्रिटल ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस सॉलिड होता है. वाइट कलर का, ब्रिटल, सॉफ्ट नहीं होता है, ब्रिटल होता है, खुरदरा होता है, लगभग ऑर्डरलेस और टेस्टलेस सॉलिड होता है ये. इट हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट है 33.5 टू 35.5 डिग्री सेल्सियस. दे आर अवेलेबल इन वेरियस ग्रेड, बहुत सारे ग्रेड्स में एज पर द क्वालिटी ये अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली जो इनका ग्रेड यूज़ किया जाता है वो ग्रेड बी हम यूज़ करते हैं. तो ये कंप्लीट हो गया है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जो है, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म का जो एक एग्जाम्पल है या टाइप है सपोज ट्रीज, उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से बेसिस हम यूज़ करते हैं, उन सब का क्लासिफिकेशन, उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में कवर कर दिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हाउ वी कैन प्रिपेयर सपोज ट्रीज, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनको अप्लाई करके हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं सपोज ट्री. तो स्लाइट इंट्रोडक्शन में यहीं से स्टार्ट किए देती हूँ. जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोज ट्री, बेसिकली दे आर थ्री मेथड्स. नंबर फर्स्ट हैंड रोलिंग, नंबर सेकंड है फ्यूजन मेथड, नंबर थर्ड है कोल्ड कंप्रेशन. दे आर थ्री मेथड जो कि हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो जितने भी मेथड हैं प्रिपरेशन करने के सपोज ट्रीज को. सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज फार्मकेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट. थैंक यू वेरी मच.